नमस्कार साथियों, सभी का वेलकम। देख दोस्तों, बात करेंगे आरपीसी द्वारा आयोजित एसओ भर्ती एग्ज़ाम के बारे में। देखिए आज का पेपर किस प्रकार का आया, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ से आपको अपडेट न्यूज़ मिलती रहेगी। देखिए आज का सांख्यिकी अधिकारी का पेपर, सबसे पहले जीके के प्रश्न है। तो यहाँ पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंध नहीं रहा। तो यहाँ पर के एन पुरी आ जाएगा, अमलानंद घोष, बीबी लाल, बी के थापर, ये कालीबंगा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर दो, ये भी जीके से संबंधित है, यह सभ्यता पूछी है। तो देखिए कौन सी सभ्यता कहाँ से संबंधित है, सोनारी सभ्यता झुंझुनू से है, बागौर उदयपुर है, गिलुंड राज संबंध है, सॉरी बालाथर उदयपुर है, और ये बागौर है, ये भीलवाड़ा हो जाएगी। बागौर की सभ्यता भीलवाड़ा है, गिलुंड राज संबंध है, बालाथर उदयपुर में है। क्वेश्चन नंबर तीन, महाराणा प्रताप द्वारा लिखित कौन सी कृतियाँ नीचे दिए गए कोड का उपयोग करती है। सुधा प्रबंध है, वास्तु मंजूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए वे ए और बी हो सकता है, कंफर्म नहीं है इसका भी। राजा गोविंद संगीतसार की रचना किस शासक ने करवाई। तो बिल्कुल सवाई जय सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रजा सेवक क्वेश्चन नंबर पाँच, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये भी राजस्थान जीके से रिलेटेड है। ऑप्शन बी यह करेक्ट आंसर है। यहाँ रियासत पूछी गई है, सम्मिलित नहीं है, शायद ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो सकता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आठ, क्वेश्चन नंबर नौ, ये देखिए कौन सा आभूषण किस अंग में पहना जाता है। या मैं आपको जिसके आंसर कन्फर्म उसी के बारे में बता रहा हूँ। मान लिया वो गले के अंदर पहना जाता है, कमर में कंदोरा पहना जाता है, कान में चार नंबर ऑप्शन हो जाएगा, दामना गले में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दस, क्वेश्चन नंबर ग्यारह, यहाँ पर नृत्य से संबंधित प्रश्न नहीं है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा आपको। गुजर नृत्य, भील नृत्य, सहरिया नृत्य। तो देखिए भील नृत्य गेवरे नृत्य हो जाएगा, ये भील नृत्य गेवरे नृत्य चला जाएगा। चरी नृत्य है वो गुजर के द्वारा किया जाता है, किशनगढ़ का फेमस है, यहाँ से मिलान कीजिएगा। फिर अभिलेख का प्रश्न है, यहाँ पर लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे स्थित है। तो लूणी नदी किनारे मल्लिनाथ जी का मंदिर है, बाड़मेर, ऑप्शन तीन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। ये देखिए विद्या कगार किससे निर्मित है, तो ये बेसाल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर सत्रह आपके सामने है, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान। तो देखिए यहाँ पर 25 सेमी वर्षा हो जाएगी, बिल्कुल ऑप्शन चार करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 20, राजस्थान में शीर्ष संस्था रामपुर आगुचा कहाँ पर है। रामपुर आगुचा ये अपने भीलवाड़ा हो जाएगा। मोरेला निमला ये दौसा में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। रामसागर वन्य जीव अभियान धौलपुर में है। परवन सिंचाई योजना कोटा बारा झालावाड़, ऑप्शन नंबर दो। मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है,
शायद ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, वायु प्रदूषण। यह ऑप्शन नंबर 2 है नर्मदा नहर। पहाड़ी भागों पर जो कृषि की जाती है चीमाता है, मैदानी भागों पर कृषि की जाती है धजिया है। बटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है। तो ये आज 100 का पेपर हुआ। ये देखिए सांख्यिकी का प्रश्न है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ प्रश्नों के आंसर की जारी करूंगा मैं स्टैटिक्स के संबंधित। अभी इस वीडियो में केवल पेपर का लेवल देखिएगा, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। कल संगणक के भर्ती एग्जाम होगा, इसके बाद ASO भर्ती एग्जाम होगा, हो सकता है यहाँ से 2-4 प्रश्न रिपीट हो जाए। लेस पेयर के बारे में पूछा गया, लेस पेयर उपास्य का सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 107, एल प्लस पी अपॉन 2 होता है, ये प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन है। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ प्रश्नों की मैं आंसर की जारी करूंगा इसमें से, जिसका आंसर कन्फर्म होगा। इस वीडियो में केवल पेपर का लेवल देखिएगा।